हेलो गाइस, आपके अपने चैनल ई फूड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होली आने वाली है तो आलू के एकदम सफ़ेद सफ़ेद एकदम राउंड राउंड पापड़ बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स आप दिखा देख लीजिए, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ले लेना है, मैंने 2 किलो आलू लिए हैं और यहाँ नई वाली आलू आपको लेनी है। तो उसको हम 1 ग्लास पानी डालकर अच्छे से बॉयल कर लेंगे और 1-2 सीटी लगा लेंगे। तो ज़्यादा आलू ज़्यादा नहीं बॉयल करनी है, एकदम हल्का बॉयल हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे तुरंत सीटी खोलकर और रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको हम इस तरीके से ग्रेटर पर ग्रेट कर लेंगे आलू को, या आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पर आप पीस भी सकते हैं। तो आलू में गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, जिससे पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनेंगे और फटेंगे नहीं। तो बस हमें ऐसे ग्रेट कर लेना है। तो सारी आलू को हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे, ये देखिए। तो हमने सारी आलू को ग्रेट कर लिया और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये देखिए। तो चिली फ्लेक्स अगर आपके पास ना हो तो, अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च हो तो उसको भी आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, तो आपको चिली फ्लेक्स मिल जाएगा खुद ब खुद। तो बस 2 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इससे तीखा लगेगा। और इसमें हम रॉक सॉल्ट डालेंगे। तो रॉक सॉल्ट डालने का ये फ़ायदा होगा यहाँ कि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं इस पापड़ को। और इसमें डाल देंगे जीरा। तो यहाँ एक साथ हमें दो दो फायदा हो जा रहा है कि ये होली में भी काम आ जाएगा और होली के बाद नवरात्रि भी आएगी, तो हम इसको नवरात्रि में भी खा सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से डालकर हम इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो बस हमारी आलू तैयार है, अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ एक स्पून लिया है, ये देखिए मेरे पास इस तरीके से स्पून है। अगर आपके पास स्पून ना हो तो ढक्कन ले लेंगे। और यहाँ मैंने मूंगफली का तेल लिया। मूंगफली का तेल हम व्रत में खाते हैं, मूंगफली की जगह आप घी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना इस्तेमाल करें अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं। और वैसे भी सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपके पापड़ सफ़ेद नहीं बनेंगे, येलो येलो कलर के बनेंगे। तो बस जो है, मैंने स्पून इसलिए यहाँ लिया है कि एक परफेक्ट साइज़ के पापड़ हमारे बने, तो छोटा बड़ा ना हो। तो ये देखिए, तो इस तरीके से स्पून से हम परफेक्ट साइज़ का माप ले सकते हैं। और इस तरीके से आलू को स्पून से निकालेंगे और इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे, जैसे आप रोटी बनाने के लिए राउंड राउंड करते हैं। ये देखिए, राउंड राउंड गोली बना लेंगे और हाथ से हल्का चपटा कर लेंगे। बस इसी तरीके से सारे आलू की हमें गोलियां बना लेनी है। तो चाहे आप एक एक गोली बनाइए और चाहे आप ये देखिए एक एक लड्डू बनाइए, या चाहे इकट्ठे सारे लड्डू बनाकर रख लीजिए, तो इससे पापड़ और भी जल्दी बन जाएगा। तो हम सारी आलू का लड्डू इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से चम्मच से निकालेंगे स्पून से, और बहुत जल्दी इससे आपके ये देखिए आलू के लड्डू हम बना लेंगे। तो बस सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं और अब हम चलते हैं पापड़ बनाते हैं। तो यहाँ मैं आपको 5 तरीका बताने वाली हूँ आलू का पापड़ बनाने का। तो सबसे पहले तरीका है मशीन। तो आपके पास इस तरीके से पापड़ बनाने वाली मशीन है तो अच्छी बात है, और मशीन नहीं है तो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी। और बहुत इजीली 5 तरीके आपको बताने वाली हूँ, तो जो तरीका पसंद आया आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एक पॉलीथीन ले लेनी है सफ़ेद कलर की, और उसके ऊपर हल्का सा हम मूंगफली का तेल लगा लेंगे और उस इस तरीके से लड्डू को रख कर हल्का सा दबा देंगे। और उसके बाद ये देखिए, तो पॉलीथीन का दूसरे हिस्से पे हम रखेंगे और दूसरे हिस्से से इसको ढक देंगे, और मशीन से इस तरीके से रख कर मशीन से हल्का हम दबा देंगे। मशीन से आप बना रहे हैं तो हल्का सा दबाएंगे तो बस आपका काम इजली से हो जाएगा। ये देखिए, हमारे परफेक्टली पापड़ तैयार हो गए हैं। ये देखिए, बस हमारे पापड़ तैयार हैं और अब हम इसको एक पॉलीथीन के ऊपर फैला देंगे। तो आप चाहे पॉलीथीन के ऊपर फैलाइए या कपड़े के ऊपर फैलाइए। पॉलीथीन के ऊपर फैलाएंगे तो इससे पापड़ बहुत आसानी से निकल जाएगा, और कपड़े के ऊपर फैलाएंगे तो पापड़ टूट जाते हैं, निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आपके पास बड़ी पॉलीथीन है तो उसके ऊपर आप फैलाएं। तो यहाँ मैं पंखे के नीचे ही पापड़ को सुखा रही हूँ। आजकल पंखे के नीचे पापड़ सूख जाते हैं, तो
तो आप पंखे के नीचे पहले सुखा लीजिए, जब हल्का ये सूख जाए तो थाली में रखकर धूप दिखा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पापड़ साल भर चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे, तो ये पापड़ साल भर चलने वाले हैं। तो फिर एक पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन के बीचों बीच में हम पापड़ रखेंगे और ऊपर नीचे पापड़ रख लड्डू को रखेंगे और ऊपर से पॉलीथीन को ढक कर ये देखिए बेलन की सहायता से जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, बस उसी तरीके से हल्का हल्का सा इसको बेल देंगे। तो भी इस तरीके से भी पापड़ बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी, मतलब मुझे तो मशीन से ज़्यादा इजली ये सब तरीके लगते हैं। और बहुत मशीन में रखो फिर उसको दबाओ तो उससे अच्छा है इस बहुत इजली ये पापड़ बन जाते हैं। तो अगर आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 तरीक़ों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा पापड़ बनाने का। और अब तीसरा तरीका है कि इस तरीके से लड्डू को आपको फिर से आपको पॉलीथीन के बीचों बीच रखना है। और रखने के बाद एक लोटा है, लोटा हो या जिसमें आप अदरक वगैरह कूटते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भारी होता है, उसको रख कर इस तरीके से दबा देना है ये देखिए। और दबाते जाएंगे ये देखिए, और इस तरीके से उसको प्रेस करते जाएंगे ये देखिए, साइड साइड से इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ये देखिए चारों ओर। तो इससे भी क्या होगा आपका पापड़ बहुत ही इजली और बहुत ही अच्छा बन जाएगा ये देखिए। और अगर आप मूंगफली तेल की जगह मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके पापड़ येलो येलो कलर के बनेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में हल्का पीलापन होता है ना तो पापड़ में भी पीलापन आ जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से भी पापड़ आप बना सकते हैं। तो पूरे 5 तरीके आपको बता रही हूँ, तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप वो तरीका इस्तेमाल करके पापड़ बना सकते हैं। अगर आपके पास मशीन रही है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए ये देखिए। और अब चौथा तरीका है, आप इस तरीके से राउंड राउंड की प्लेट तो सबके घर में रहती है उसको ले लेना, इसकी जगह आपके पास राउंड राउंड बॉयल बाउल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजली, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा शेप आया पापड़ का, इस तरीके से बन गया है पापड़। तो बस इसको सारी पापड़ को फैला देंगे। और अब लास्ट तरीका है हाथ से, तो हम बिना किसी चीज़ का यूज किए हाथ से ही पापड़ बनाएंगे ये देखिए। हाथ से हल्का हल्का फिंगर की सहायता से इसको चारों ओर इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगा पापड़ का ये देखिए। ये देखिए फिंगर की सहायता से चारों ओर इस तरीके से फैलाते जाएंगे ये देखिए। तो बस फिंगर से इसको फैला देंगे तो ये जो है पापड़ बहुत ही इजली और बहुत ही आसानी से बनकर ये देखिए तैयार हो गया। तो चाहे हाथ से पसंद आए या जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से पापड़ बना सकते हैं। और इसको आप एक रात के लिए खाली पंखे के नीचे रखिए और उसके बाद इसको निकाल कर थाली में रख कर एक दो दिन धूप, एक दिन सिर्फ धूप दिखा देंगे तो ये आपके पापड़ सालों साल तक ख़राब नहीं होने वाले हैं। आप इसको बड़ी ही आसानी से साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये थोड़ा तीखा होता है तो चाय के साथ खाइए या स्नैक्स के रूप में आप इसको खा सकते हैं और बच्चे भी इसको बहुत पसंद करेंगे। थोड़ा तीखा होता है तो आप तीखा चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन पापड़ थोड़ा तीखा रहता है तो और भी अच्छा लगता है खाने में ये देखिए। और इसको अब हम फैला देंगे। तो 5 के 5 तरीके बहुत ही आसान हैं, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप पापड़ बनाइए। ये देखिए मैंने सुखा लिए हैं ये देखिए, ये देखिए पास से आपको दिखा देती हूँ तो बहुत ही अच्छे पापड़ बने हैं। तो अगर आप इसको सिलबट्टे पे पीस कर बनाते हैं नई आलू के पापड़ तो ये पापड़ और भी अच्छे बनेंगे। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे वो करिए। तो मैंने इसको पहले पंखे के नीचे सुखाया फिर धूप में सुखाया, ये देखिए पापड़ मेरा सूख चुका है, इस कलर का हो गया है। ये देखिए तो पापड़ हमारे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बने हैं।
तो ये सूखने के बाद पापड़ आपके देखिए, तोड़ कर दिखा देती हूँ, बहुत ही ये देखिए। तो इसको आप जब धूप में सूख जाए तो इसको किसी डब्बे में भर कर रखिए, नहीं तो हवा लगेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। और बस इसको गरम गरम तेल में तल लीजिए, ये देखिए। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बहुत ही क्रंची पापड़ हमारे बन गए हैं। इसको गर्मा गर्म तेल में छानिए और गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए। तो होली में ज़रूर बनाइए। और इन तरीकों में से आपको कौन सा अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।